हम आज इधर में CITU की आह्वान पे जो योजना कर्मी हरियाणा की आंगनवाड़ी आशा वर्कर और मिड डे मील वर्कर और कुछ महिला किसान और महिला कर्मचारी यहाँ पे समर्थन के लिए आए हैं। ये एक्चुअली ये तीन काले कानून कृषि कानून है, ये सिर्फ किसानों के ऊपर में उनका असर नहीं है तो मजदूरों पे भी और आम जनता पे भी है। और ख़ासकर जो है ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है और जो पूरा FCI को भी ख़त्म करेंगे तो उसका असर जो है पूरा ICDS का योजना और मिड डे मील की योजना पे डायरेक्टली है। तो वो योजनाओं में जो खाना दे रहे हैं बच्चों का कुपोषण के लिए पोषण आहार दे रहे वो बंद हो जाएगा और ऑलरेडी इसके असर उसमें हो रहा है ये सरकार की नीतियों का, तो आने वाले दिनों में ये तो पूरा बंद ही हो जाएगा। और ये भी नहीं कि ये पूरा किसानी बंद होगा ख़त्म होगा, तो ये इसका तो मजदूर का ही उस पर अपर डायरेक्ट असर है। तो ये पूरे देश की जो जनवादी अधिकार भी है किसान को, क्या अपने खेती पे जो अधिकार है, क्या खेती में क्या उपज पैदा करेंगे और उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का अधिकार है उस पर कब्जा तो कर ही रहा है। उसके साथ में ये सिर्फ एक ही कृषि क्षेत्र का ही बात नहीं है, ये तो लास्ट में ही कृषि क्षेत्र में अपना आक्रमण किया है। वो बाकी क्षेत्रों में जो है कि अपना निजीकरण का और कब्जे का जो है वो पहले से ही शुरू है कि निजीकरण का प्रक्रिया तो बहुत बड़े पैमाने पे कर रहे हैं, जो आर्थिक क्षेत्र है या पब्लिक सेक्टर हो ये तो कर ही रहा है। और यहाँ पे जो अभी ये कृषि कानून के साथ में जो 4 लेबर कोड जो पास किया है वो पास किया लेबर कोड है, ऐसे ही जनवादी अधिकार जो मेहनतकश जो मजदूर है उसका 8 घंटे का काम, वो 150 साल पुराना हम अंग्रेजों से लड़के लिया है ये अधिकार और 12 घंटे का काम कर दिया है, 8 घंटे का काम, न्यूनतम वेतन और संगठन बनाने के अधिकार, ये तीनों उसको ख़त्म किया गया है। इसके अलावा इसके बिना अगर किसान के अपना क्या खेती करेंगे ये अधिकार नहीं बचेगा, ज़मीन पे अधिकार नहीं बचेगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं बचेगा और मजदूर को 8 घंटे काम और ये न्यूनतम मूल्य नहीं बचेगा और संगठन बनाने का इनका अधिकार नहीं बचेगा तो जनवाद नहीं बचेगा। ये आंदोलन जैसे कि जो पूरे भारत की जो आज़ादी की लड़ाई है, ये मजदूरों का अपना हक की लड़ाई और किसानों की अपनी ज़मीन की लड़ाई से ही ये एंटी इंपीरियलिस्ट जो लड़ाई हुआ था उसी से आज़ादी हुआ। वो दोबारा हमारा गुलामी वो कॉरपोरेट की गुलामी को कायम रखने के लिए संविधान को ही ख़त्म करने के लिए ये कब्जा हो रहा है। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि ये मेहनतकश जो है जिसके पास में अपना मारक क्षमता है, ये ताकत है, ये हड़ताल करने का अपना काम बंद करने का वो ताकत आगे नहीं आएंगे तो ये आंदोलन आगे नहीं जा सकते हैं। इसीलिए भी ये हमारा मजदूर होने का मजदूर संगठन होने का हमारा जिम्मेदारी भी है कि और हमारा फर्ज है कि हम इसको पूरा ये आंदोलन जीते। और ये इतना बड़े पैमाने पे किसान का एकता बना है, जो मजदूर का एकता हमने देखा है पिछले सालों में, ऐसा ये किसान की एकता भी बना है, ये मजदूर किसान की एकता भी इस आंदोलन में दिखाई दे रहे, इसको आगे लेके जाना है तभी जाके ये नीति, ये तीन सिर्फ तीन कानून और वो तात्कालिक स्थगित करने वाला सवाल नहीं है। सवाल यही है कि भारत का जनवाद बचेगा और मेहनतकश का अधिकार बचेगा, उसके लिए नीति बने तो वो ये एकता को इस आंदोलन को जिताना है और इसको आगे बड़ा पैमाने पे ले जाना है, यही हमारा मकसद है। इसीलिए CITU ने निर्णय लिया है तो CITU पहलकदमी ये जो इसका समर्थन में अभी तक हम लोग हर एक प्रोग्राम किसान मोर्चे का हम लागू कर रहे थे, अभी हम एक और लेवल पे और बढ़ा के जो ये इतना बड़ा स्तर पे ये पहुंचा है तो इसको और ज़्यादा हमें ताकत बढ़ाना है। तो ये लेबर कोड का और बाकी अधिकारों के लिए प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ और ये लेबर कोड के खिलाफ भी अपना मोर्चा भी खोल रहे हैं और ये किसान आंदोलन का मुद्दा को साथ में जोड़ते हुए, तो ये 30 तारीख को हमने पूरा भारत में विरोध दिवस मनाया था और ये 8 जनवरी को पूरे भारत में जेल भरो का आंदोलन करेंगे और इसके आगे बात चल रहे कि संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चे के अंदर में कि हम इसको और किस तरीके से इसको बढ़ा सकते हैं, चाहे इधर में जो मोर्चा लगे हुए दिल्ली में उसको भी जो नंबर भी बढ़ाने का हो या पूरे राज्यों के अंदर में भी पड़ाव जैसा आंदोलन का कार्यक्रम को मजबूती से ले। आशा वर्कर के साथ आप जुड़े हैं और जो है ये जो
वर्कर हैं, ये सब हैं, तो महिलाओं का और इस आंदोलन का आप कैसे जुड़ाव देखते हैं, किस लिए जरूरी है और महिलाओं का कितना सहयोग है? एक बात यही है कि ये जो स्कीम वर्कर है ये तबका है कि जिसको मजदूरी नहीं मानता है, क्योंकि ये महिला मान के ये उनको जो कोई वेतन नहीं दे रहे मानदेय दे रहे, तो यही कि यही कहानी है किसानों का भी, महिला कभी किसान नहीं मानता है, किसानी का काम तो ज़्यादातर महिलाएं करती है लेकिन उनका किसान का भी दर्जा नहीं होता है। लेकिन ये आंदोलन में आप देखोगे तो ये बॉर्डर के अंदर का सिर्फ हिस्सेदारी से ये पता नहीं चलता है, हर एक गाँव के अंदर में हो या हर एक जो शहर में भी हो उसके अंदर में जो किसान का और मजदूर का आंदोलन में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी जो अभी महिलाओं का होता है, ये योजनाओं का साथ में इसका तो बहुत बड़ा जुड़ाव है। ये योजना कर्मी आशा वर्कर हो या आंगनवाड़ी वर्कर हो, अपनी ये जनता की जो भूखमरी है या ये कोविड जैसा महामारी है उसके खिलाफ का हमारा लड़ाई तो हम चल ही रहे हैं, जो सरकारी कर्मचारी होने के नाते उसके साथ में अपना हक, अपना न्यूनतम वेतन की हक के लड़ाई भी लड़ रहे हैं, उसके साथ में हम ये पूरे जनता की हक, हम किसान भी है, हम खेतीहर मजदूर भी है, हम अपना ये किसान होने के नाते भी हम अपना हक के लिए भी ये लड़ाई के अंदर में भी हम अगुआ कर रहे हैं, ये नहीं कि हम शामिल कर रहे हैं। देहातों में आप देखेंगे कि बहुत जगह में किसान सभा है नहीं, वहाँ पर अपनी मिड डे मील वर्कर, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर यही लोग अगुआ करके गाँवों में मीटिंग कर रहे हैं, किसानों को इकट्ठा लेके दिल्ली तक लेके आने में भी उनका बहुत बड़ा एक भूमिका है, तो ये भूमिका भी हम अदा करेंगे और आने वाले दिनों में ये बढ़ेगा, ये नेतृत्वकारी भूमिका में भी महिलाओं का बड़ी हिस्सेदारी होगा और ये आने वाले दिनों में भारत का राजनीति में भी बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे। ये है कि जो बहुत ही संघर्ष जो कानून बने थे लेबर कानून 44 कानून उनको पूरा खत्म कर दिया गया और ऐसे 4 कानून ला दिए, तो किसानों के वैसे कोई संघर्ष मजदूरों का दिखाई नहीं दे रहा, तो आप क्या इन दोनों को जोड़कर आप भी ये संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि उतना दिखाई नहीं दे रहा है? ये दिखाई देने वाले बात तो यही है कि पिछले 99 से ये शुरू है ये न्यूलिबरल पॉलिसी, अभी तक ये अगर ये बिजली बिल कानून नहीं बना है तो ये किसकी बदौलत है? ये देश की ट्रेड यूनियन आंदोलन की बदौलत है। अभी पूरा इंश्योरेंस का अभी निजीकरण नहीं हुआ, पूरा बैंकों का मर्जर करके निजीकरण नहीं हुआ और पूरा पब्लिक सेक्टर अगर बेच नहीं पाया तो ये 29 साल का ये ट्रेड यूनियन आंदोलन की लड़ाई की बदौलत है। अगर ये सरकारी योजनाएं मिड डे मील जैसा, आंगनवाड़ी जैसा, NHM जैसा ये स्कीम बना ही ये ट्रेड यूनियन के आंदोलन से, चल रहे ये ट्रेड यूनियन के आंदोलन से और वो मजदूर अपना आगे करके अपना ये मजदूरी को बढ़ा के भी ले रहे, ये भी ये आंदोलन की, ये दिल्ली में जैसा पड़ाव है ये पड़ाव भी देखोगे कि अभी स्कीम वर्कर का 2009 में हमने पड़ाव किया था कि ये पड़ाव का ये जो फॉर्म ऑफ स्ट्रगल भी है कि ये मजदूरों का हुआ है और महिला मजदूरों का हुआ है कि रात भर के, और ये पिछले जो 29 साल में 4 लाख किसानों का खुदकुशी हुआ है तब जाके ये 4 लाख किसान दिल्ली के अंदर आया है, तो ये जो 4 लाख किसान जो खुदकुशी से आंदोलन किया और से एक दिन अचानक तो नहीं आया, उसमें ये देहात के अंदर ये स्कीम वर्कर समेत जो ये महिलाएं समेत ये लड़ाई करके ये जीत हासिल करके दिखाया है, तो ये किसानों के ऊपर इसका असर है कि ये देखो ये महिला मजदूर भी ये लड़के जीत सकते हैं, तो ये एक इसका इनडायरेक्ट असर भी है। और ये जो 26 तारीख का आंदोलन भी आप देखोगे उस दिन में अगर ये हरियाणा के अंदर में अगर मोदी अगर रोक नहीं पाया, क्योंकि ये पूरे देश के अंदर में ये एक बड़ा मोर्चा चल रहा था हड़ताल का, ये मोर्चा को ये दोनों मोर्चा को एक साथ में संभाल नहीं पाते थे मोदी, और 25 करोड़ ऐसा छोटा संख्या नहीं है ये आया है, और ये मोर्चा भी आप देखोगे कि भारत बंद का कॉल, ये भारत बंद का कॉल जो है, और ये सिर्फ ये 4 लाख मजदूर ये दिल्ली के इर्द गिर्द बैठा है इसीलिए तो नहीं है, ये तो एक सत्ता से लड़ाई है, तो
ये किसानों का ताकत भी सिर्फ यहाँ पे ये 4 लाख मजदूर आके बैठा है या ट्रैक्टर हटा नहीं सकते, ये बात नहीं है। बात यही है कि उसको मालूम है कि ये पूरे देश के 135 करोड़ जनता उसके साथ में है और ये देश के 25 करोड़ मजदूर जो हड़ताल में हुआ है वो साथ में है ये मजदूर का। और ये जो है भारत बंद जो हुआ है ये कौन कामयाब किया, ये कौन रेल रोका किया, कौन कलकत्ता जैसा शहर के अंदर में और टोल प्लाजा हरियाणा के अंदर बंद हुआ तो कौन किया है, ये भारत के मजदूर है। ये मजदूरों ने अभी तक निजीकरण रोकवा पाया है और ये जो ये अभी भी अब देखोगे ये कानून लेके आया है ये लेबर कोड, वो लेबर कोड भी ये 29 साल के अंदर, ये कब से इसका ड्राफ्ट बना था, 91 से लेके बना था, मोदी का भी इसका तो ड्राफ्ट अभी बना है किसान कानून का, लेकिन ये ड्राफ्ट तब से लेके हम रोक पाया है और आगे इसको वापस करवाने का लड़ाई तो इसके शामिल में करके हम करवा पाएंगे। ये दिखाई देने वाले जैसा पड़ाव जैसा काम भी वो भी है। तो एक बड़ा ये भी बात सही है ये किसानों की आंदोलन ने कि एक बड़ा ताकत मजदूर आंदोलन में और ज़्यादा डाला है कि आने वाले दिनों में ये तो ज़रूर इससे भी ज़्यादा बड़ा संघर्ष होगा। और पूरे भारत में आप देखिएगा ये मोदी का काल में अगर ये मोदी ये जनता विरोधी देश विरोधी नीतियां से पीछे अगर नहीं हटेंगे कि ये देश का डिफेंस जैसा डिफेंस प्रोडक्शन को अगर निजीकरण कर रहे हैं कि कौन सा देश है प्रेम है, ऐसा नीतियों से वापस अगर नहीं होगा तो ये इतिहास तो ये होगा, ये पूरा का पूरा मोदी का काल जो शासन काल में इससे भी बड़ा आंदोलन भारत में दिखाई जरूर देगा। जब हमारा मजदूर है या किसान है वो आज लड़ाई में तो रहता है लेकिन मोदी जी को ये एश्योरेंस रहता है कि जब चुनाव आएंगे तो देशभक्ति और धर्म का मामला हिंदू मुस्लिम का मामला बनाकर उनको सबको डिवाइड करकर उनको वोट मिल जाएंगे, इसलिए वो ऐसे आंदोलन पे ध्यान नहीं देते। ये ध्यान नहीं देने वाला बात नहीं है, एक तो है कि वो जो सत्ता किसके लिए चला रहे हैं, मोदी के लिए कॉरपोरेट नहीं है, कॉरपोरेट के लिए मोदी है। अगर मोदी कॉरपोरेट का इंटरेस्ट अगर लागू नहीं करेंगे तो मोदी के जगह वो दूसरे को बिठाएंगे। ऐसा ही ये प्राइम मिनिस्टर आया है जो पूरा मीडिया को मैनिपुलेट करके ऐसा इमेज क्रिएट करके बना है, अभी भी उसी से चल रहे है। वो जो कर ये पिछला चुनाव भी जीतने के लिए ये जो 2019 का जो जनवरी का जो हड़ताल हुआ था उस हड़ताल के कामयाबी के बाद में मार्च के महीने में अचानक में जो पूरा जो पूरा देश का जो जासूसी भी सारा कुछ फेल हो जाएगा ऐसा अचानक आएगा, तो ऐसा एक जो देश प्रेम का जो कहानियां है छोटी कहानियां है वो तो पूरा लंबा नहीं चलेगा। पूरे भारत के जनता वैसे बेसिकली सेकुलर है, कुछ दिन के लिए गुमराह कर सकते हैं, अभी ये एकता जो बना है और ये जनता है ये तो अभी उपचुनावों में भी ये दिखाई तो दे रहा है, ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। और यही हुआ है वाजपेयी के साथ में भी, यही हुआ है हिटलर के साथ में भी, यही होगा। जो जितना ऊपर उठेगा उतना बड़ा जो है गिरने तक उतना ज़्यादा चोट होगा, तो इससे भी ज़्यादा बहुमत में था कि राजीव गांधी भी और इससे भी जो है कांग्रेस जो है इसी नीति को चलते हुए अभी विपक्ष का लीडर कहलाने लायक का नंबर भी नहीं मिला है, क्योंकि ये नीति के वजह से कोई इंडिविजुअल्स के वजह से नहीं है। तो ये नीति जो भी चलाएगा उसका यही हालत होगा और जितना भी ये नफरत की राजनीति है ये लंबा नहीं चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।